हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और इसमें लास्ट टॉपिक बच गया है यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने बेटा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड प्लस बेस ये क्या बनाता है बेटा? सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या था बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब अगर एसिड कहीं पे एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें बेस मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, उसको न्यूट्रल कर देगा, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जो है न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है, जैसे कि इनडाइजेशन एक प्रोसेस होता है। इनडाइजेशन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है पेट में या स्टमक में, जो है एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए बेटा अपन क्या करते हैं? फिर एंटा एसिड या बेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे रखा है, वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय द स्टमक। स्टमक जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, स्टमक जो है वहां पे क्या, अपने ह्यूमंस में स्टमक जो है वहां पे क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है? हेल्प इन डाइजेस्टिंग अवर फूड, यानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में उस एसिड को क्या करना पड़ेगा? अपने को न्यूट्रल करना पड़ेगा। और न्यूट्रल कैसे करेंगे बेटा? न्यूट्रल करेंगे अपन बेस यूज में। ठीक है, इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन का मतलब खाना नहीं पचता है, एपच बोलते हैं इसमें हिंदी में। ठीक है, तो खाना नहीं पचता है, एसिडिटी हो जाती है, तो फिर अपन क्या यूज में लेते हैं? बेस यूज में लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। ओके, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी कैन गेट रिलीफ फॉर इनडाइजेशन, एंटा एसिड्स आर गिवन टू द पर्सन। एंटा एसिड लेनी चाहिए। ठीक है, इसका इसके लिए जो है रिलीफ के लिए, इनडाइजेशन से रिलीफ के लिए अपन कौन सा क्या यूज में लेते हैं? एंटासिड। ये क्या होता है बेटा? जैसे कि एग्जांपल के लिए, एग्जांपल इसमें दे रखा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दे रखा है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला MgOH का होल टूवाइस। ठीक है बेटा, क्या होता है? MgOH का होल टूवाइस, होल टूवाइस है ये बाहर के जो पहले भी लिखा था नहीं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एंटासिड है। ठीक है, इसको अपन क्या है किस लिए यूज में लेते हैं? एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। किस सिचुएशन में? इनडाइजेशन की सिचुएशन में एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज में लेते हैं बेटा? अपन यूज में लेते हैं एंटासिड। एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल टूवाइस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड है बेटा आंट्स स्टिंग। सेकंड दे रखा है आंट्स स्टिंग, आंट्स स्टिंग। चींटी जो होती है, जैसे रेड आंट होती है, रेड आंट जो है ना वो क्या होती है? उसकी स्टिंग या उसके डंक में क्या होता है बेटा? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बेटा कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड से क्या होता है कि जब ये अपने को, जैसे मान लो किसी आंट या फिर किसी स्पाइडर या मकड़ी ने अपने को जो है काट लिया, तो क्या होता है कि वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन के जैसे कॉन्टेक्ट में आता है उनकी स्टिंग। तो फॉर्मिक एसिड जो है हमारी बॉडी में सीक्रेट करती है वो, ठीक है, इंजेक्ट कर देती है। तो उसको अपन, उससे क्या होता है कि पेन होने लगता है जिस जगह पे उसने बाइट काटा है, उस जगह पे बाइट किया है, तो उस जगह पे क्या होता है? पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें बेटा? फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाएं वहां पे अपन, क्या अपने को करना चाहिए? ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेटा? एक बेस यूज में लेना चाहिए, बेसिक सब्सटेंस यूज में लेना चाहिए जो इसको न्यूट्रल करे। ठीक है, तो देखो बेस लाइक बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन। तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं इसको रिलीफ के लिए, इसकी रिलीफ के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए। टू न्यूट्रल बेकिंग सोडा यूज में लेते हैं, क्या यूज में लेते हैं? बेकिंग सोडा
ये आपका है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NaHCO3, ठीक है बेटा, ये होता है। तो आपको याद रखना है कि आंट सिस्टम में कौन सा एसिड, या आंट जब बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए बेटा बेकिंग सोडा या माइल्ड बेस का यूज करते हैं जो उसको रिलीफ, उस टाइम पे रिलीफ दे। तो बेकिंग सोडा लगाना चाहिए उस जगह पे जो घर में अवेलेबल होता है, मीठा सोडा जिसमें अपन जो है फूड वगैरह में डालते हैं, तो उस बेकिंग सोडा को अपन यूज करेंगे उस जगह पे, तो तुरंत जो है आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैलामाइन लोशन भी दे रखा है, कैलामाइन लोशन होता है जिंक कार्बोनेट जो है उसमें होता है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। सोइल ट्रीटमेंट के लिए देखो फ्लड दे रखा है, सोइल ट्रीटमेंट बेटा ये क्या होता है। सोइल ट्रीटमेंट के लिए आपको याद रखना है कि क्या होता है कि एसिडिक रेन होने से या एसिड जो है, हाँ, सोइल जो है वो क्या हो जाती है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आजकल क्या है, जैसे मैन्योर वगैरह तो यूज में लेते नहीं, नेचुरल जो खाद है मैन्योर है उसको तो यूज में लेते नहीं, और फर्टिलाइजर ज्यादा यूज में लेते हैं लोग। तो बेटा फर्टिलाइजर, जैसे जैसे आप सोइल में फर्टिलाइजर डालोगे धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो सोइल की एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो फसलें वगैरह हैं, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह हैं, उनको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेटा अपने को, हमारे को मिट्टी की एसिडिटी को दूर करना पड़ेगा, और उसके लिए अपन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है, इसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्या यूज में लेते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का R2O, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, ये यूज में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एसिडिटी ऑफ सॉइल किससे रिमूव की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ओके। तो ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टूथ डिके का मतलब है, टूथ डिके का मतलब होता है कि माउथ में क्या होता है कि जैसे अपन खाना खाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जैसे अपन ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया नाइट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया उस खाने से रिएक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एसिड जो है वो हमारे माउथ की पीएच को डिक्रीज करता है। पीएच का मतलब होता है, पहले भी आपको मैंने बताया, पीएच का मतलब होता है, ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो पीएच डिक्रीज होगी, तो पीएच डिक्रीज होने से क्या होता है, पीएच डिक्रीज होने से एसिडिटी हो जाती है माउथ में, एसिडिक नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है, यानी फूड खाने के बाद में जो खाना बच जाता है माउथ में, ठीक है, रिमेनिंग फूड जो हो जाता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं उनसे और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एसिड, और एसिड से क्या होता है कि माउथ की पीएच डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब बेटा एसिडिक हो जाता है, उसका नेचर जो है माउथ का मोर एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए अपने को बेटा, ब्रश करनी चाहिए नाइट में, या फिर कोई बेसिक सॉल्यूशन से अपने को क्या करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, टूथपेस्ट अपने को लेनी चाहिए, ओके, टूथपेस्ट जो है उसका यूज करना चाहिए, या कोई सॉल्यूशन आता है उससे जो है अपने को दांत साफ करनी चाहिए, तो उससे अपने को, उससे अपन क्या कर सकते हैं, टूथ डिके को रोक सकते हैं, इससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। एक लास्ट बचा है इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, द इंडस्ट्रियल वेस्ट which is allowed to flow into the water body is sometimes too acidic or basic। कभी कभी क्या होता है कि जो अपन इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं।
तो उससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ का मतलब है जो समुद्र या फिर नदियों का नदियों की लाइफ है उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे, तो एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उससे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है अपन बेस क्या कर सकते हैं, बेस वगैरह यूज करनी चाहिए उसमें, उसको यूज न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऐसे ही जो होते हैं वेस्टेज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे स्लैग लाइम अभी बताया मैंने, स्लैग लाइम का मतलब होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, इस हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं स्लैग लाइम। स्लैग लाइम ये यूज में किया जाना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है सॉल्ट, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही हो पाएगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।